आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, बनाने के बाद और उसमें जब हम बनाते हैं वहाँ पर हमको किस साइज में हमको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे कि दस्तावेज और तस्वीर किस तरह से हमें अपलोड करनी है। आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे किस तरीके से वहाँ पर सही साइज में बनाना है, आपको फोटो कन्वर्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर बताता है फाइल में कुछ ब्रो लिपियों को पाया गया है, मतलब कुछ ब्रा लिपि पाया गया है, जिसके कारण वहाँ पर दस्तावेज अपलोड होते नहीं हैं। तो आज की वीडियो आपको यही बताएंगे किस तरीके से आप बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उसमें आपको कौन सी रसीद प्रिंट निकालना होता है जिसको आपको थाने में जमा करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सिटीजन क्रिएट करनी होगी। सिटीजन क्रिएट करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में लिखना है यूपी पुलिस वेरिफिकेशन, और यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट इसकी पहली खोल लेनी है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आप इस वीडियो में साइज बनाना भी सीख सकते हैं, कौन से साइज में दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर सिटीजन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक कर दोगे एक वेबसाइट को रिडायरेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से ये वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर आपको उपयोगकर्ता का नंबर डालना होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट सिटीजन लॉगिन पर नीचे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक कर दोगे कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ऊपर आपको सिटीजन क्रिएट में आपको अपना नाम डालना होगा, फर्स्ट नेम, नीचे लास्ट नेम, और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिससे आपने पुलिस की वेबसाइट पर कभी भी सिटीजन क्रिएट ना की हो। और आप जैसे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को दर्ज कर दोगे उसके बाद से आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद से नीचे आपको पासवर्ड दोनों में डाल देना है @ लगाकर, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, नाम @1234 आप ऐसे लिख सकते हैं पासवर्ड में। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल लिया है, पासवर्ड हम डाल लेते हैं। पासवर्ड को डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप क्लिक कर दोगे यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, इस तरीके के ऊपर से मैसेज आएगा उसको कर देना ओके। इस छोटी सी साइड को आपको हटा देना है। अब आपको साइड में यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम में आपको नंबर डाल देना है जो कि अपना सिटीजन क्रिएट करते समय वहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया था। उसके बाद से नीचे आपको पासवर्ड डाल देना है जो कि आपने वहाँ पर क्रिएट किया था। जैसे आप पासवर्ड डाल दोगे नीचे आपको एक कैप्चा मिलेगा, आपको जैसा कि तैसा नीचे आपको डाल देना है। उसके बाद से सिंपल से आपको लॉगिन पर कर देना है क्लिक। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कर लोगे आपके सामने इस तरीके से कुछ वेबसाइट खुलेगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे दूसरे नंबर पर है अन्य नागरिक सेवाएँ, और पहले नंबर पर है जनहित गारंटी अधिनियम। आपको इस पर सिंपल से कर्सर लाना है, और कर्सर लाने के बाद यहाँ पर है चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, आपको उसके सीधे जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें आपको करना है इस पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे एक और साइट में रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइट खुलेगी, और यहाँ पर है सामान्य और ठेकेदार। जो भी चरित्र प्रमाण पत्र का अनुरोध कर रहा है वो ठेकेदार है तो ठेकेदार पर क्लिक करेंगे, अगर वो कोई सामान्य नागरिक है तो आप सामान्य पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर UID, आपको यहाँ पर आधार कार्ड की संख्या डाल देनी है, आधार कार्ड नंबर जिसे कहते हैं। यहाँ पर आपको अपना प्रथम नाम एंटर करना है, उसके बाद से नीचे अंतिम नाम एंटर करना है, मध्य नाम है तो डालेंगे। आप यहाँ पर रिश्तेदार चुनेंगे यानी कि माता है इनके, जो भी पिता हैं, पति हैं। अब मान लीजिए हम इनके पति का नाम डालेंगे जो भी आधार कार्ड पर है, तो हमने यहाँ पति सेलेक्ट कर लिया, उसका नाम दर्ज करेंगे। हमने रिश्तेदार का नाम डाल लिया है। आईडी का प्रकार चुनेंगे आधार कार्ड या पैन कार्ड, आयकर पैन कार्ड भी डलवा सकते हैं, जिसके हमने यहाँ पर आधार कार्ड चुन लिया है, और यहाँ पर आईडी संख्या डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आप यहाँ पर जो भी दस्तावेज चुनेंगे उसका नंबर डालेंगे, जिसके हमने यहाँ पर नंबर डाल लिया है। आप यहाँ पर है सेवा लागू करने का प्रयोजन, आपको यहाँ पर कार्ड डाल देना है जिसके हमने आवश्यक कार्ड डाल दिया है। प्राप्त की विधि, आपको डाक द्वारा चाहिए यानी कि पोस्टमैन के द्वारा, व्यक्ति द्वारा यानी कि पुलिस के किसी एक कर्मचारी के द्वारा चाहिए आपको पुलिस प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन, या आपको वायरलेस कि आपके पास उड़ कर आ जाए यानी कि आपकी मेल आईडी पर उड़ के आ जाता है, आप वायरलेस चुनेंगे। तो लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके पास लैंडलाइन का नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर डाल देंगे +91 लिखकर, अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ पर +91 लिखेंगे अपने नंबर को।
ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है, लेकिन ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर हम फोटो को अपलोड करेंगे, हमने सभी डिटेल्स को भर लिया है। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो और आधार कार्ड स्कैन कर रखा है फुल पेज में। उसके बाद से आपको यहाँ पर उस फोटो को ओपन कर लेना है जो कि आप वहाँ पर अपलोड करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन जो उसका अनुरोध कर रहा है। हमने फ़ोटो यहाँ पर कुछ इस तरह बड़ा कर लिया है। यहाँ से हम क्रॉप टूल लेंगे, क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इसको पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साइज में कर लेंगे क्रॉप, यानी कि 1.2 और 1.5 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर रेजुलेशन डाल देंगे आप 300। तो एक बार मैं साइज को बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये साइज रहेगा 1.2, 1.5 और 300 रेजुलेशन, ठीक है। ये साइज है, इसको कर लेता हूँ मैं छोटा। और उसके बाद से जो करना है आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। और इसी साइज में करना है आपको इसको क्रॉप, आप इस फोटो करोगे क्रॉप, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप कर लेते हैं। हाँ चलिए, हमारा ये क्रॉप हो चुका है, हम एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ क्रॉप हो चुका है। आप फोटो में जो भी बदलाव करना है चाहे फोटो को सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइल मेन्यू पर जाना है, जैसे कि यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, आपको आना है यहाँ पर और यहाँ पर है सेव, आपको करना है सेव पर क्लिक। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है, क्वालिटी सभी का यहाँ पर अलग रहता है, आपको 0 क्वालिटी कर लेना है और यहाँ पर प्रोग्रेसिव नीचे रखना है और स्कैन लिखा हुआ है स्कैन्स आपको यहाँ 5 रखना है और नीचे 56 KB था आपको यहाँ पर सिलेक्ट रखना है 56 KB था। आप यहाँ पर 1-2 क्वालिटी खरीदेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी, उसके बाद से आप शो कर देंगे ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके करने के बाद हमारा फ़ोटो का साइज सही हो चुका है और अब हमें करना है अपने आधार कार्ड का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अपलोड करके देख लेते हैं। ये 13.2 KB का हो गया है, यानी कि 13 KB का हो गया है। और इसको करके मैं आपको दिखा देता हूँ अपलोड, ठीक है। यहाँ पर पहले नाम चेंज कर लूँगा मैं, इसका नाम रख लूँगा फ़ोटो, और फ़ोटो लिखने के बाद इसको करूँगा मैं अपलोड। तो हमें इसको आधार कार्ड को भी इस फोटो में नहीं, हमें इसको करते हैं अपलोड, ठीक है। यहाँ पर है अनुरोधकर्ता का फोटो, यहाँ पर चयन करेंगे, चयन करने में आपको यहाँ पर तस्वीर चुन लेनी है। यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, किस तरह की आपकी फाइल है, प्रत्यक्ष दृश्य। उसके बाद से दस्तावेज अपलोड करना है, दस्तावेज अपलोड में आपको कर देना है जो अभी हमने फ़ोटो बनाया था उस फोटो को कर देना है अपलोड। तो फ्रेंड्स वो हमने न्यू फोल्डर में रखा हुआ था तो उस फोल्डर से हम इसमें डाल देते हैं इस फोटो को। तो फ्रेंड्स यही फोटो था और हम इसी फोटो को कर देते हैं अपलोड। और नीचे सर्च का विवरण है और इसको आपको यहाँ पर विवरण डाल देना है। और जैसे ही हमने यहाँ से कैंसिल किया हमारा फोटो भी कैंसिल हो चुका है, इसलिए हमें दोबारा से उसी फोटो को चॉइस करना होगा। और चॉइस करने के बाद ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये फोटो यहाँ पर हो जाएगा ओपन। और यहाँ पर संचिका का विवरण आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जिसके हमने यहाँ फोटो डाल दिया है। और फोटो डालने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो प्रोसेसिंग हो जाएगी। सो इसके बाद से ये प्रोसेस लेगा और उसके बाद से यहाँ पर आपका अपलोड होकर आ जाएगा। वीडियो मैंने बिल्कुल भी क्रॉप नहीं किया है और आपका यहीं के यहीं हो जाएगा अपलोड। तो इसको हो जाने देते हैं अपलोड उसके, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अपलोड हो चुका है और ऐप स्टोर पर क्लिक करके फ़ोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप गुर्द के निशान पर क्लिक करके फ़ोटो हटा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बंद पर क्लिक करना है। तो आपका क्या होगा, फ़ोटो कटेगा नहीं, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, अपलोड होगा। अब उसके बाद से आप और कुछ भी काम कर सकते हैं इसी पोर्टल में, यानी कि आपका फ़ोटो तो अपलोड हुआ। अब आइए यहाँ पर दिख लीजिए, यहाँ पर फोटो का निशान बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आती है आधार कार्ड की बारी, दस्तावेज अपलोड करें। आपने ऊपर जो भी दस्तावेज चुना है आप उसको अपलोड करेंगे, जिसके हमने आधार कार्ड चुना है हम आधार कार्ड रोकेंगे अपलोड। तो इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज। उसके बाद से हम आधार कार्ड का साइज क्रिएट करेंगे, ये भी मैंने फुल साइज में आधार कार्ड प्रिंटर में जैसा लग रहा था डायरेक्टली कर दिया सेव बाय क्लिक, तो इस तरीके से स्कैन हो गया था। अब क्या करेंगे, आप उसको काटेंगे तो उसको कर लेना है आपको बड़ा, मतलब इसको बीच वाले पर क्लिक कर। उसके बाद से आपको यहाँ पर साइज को कर देना है जो भी आपका पहले से है उसको क्लियर, और यहाँ पर डायरेक्टली आपको कर देना है क्रॉप, यूं ही क्रॉप कर दें आप, यहाँ पर कोई भी साइज नहीं रखना है, डायरेक्टली क्रॉप कर दें, ठीक है। और जैसे आप इस पर क्रॉप को कर दोगे, क्रॉप करने के बाद बताता हूँ, बिना किसी साइज के उन्होंने डायरेक्टली कर देना उसको क्रॉप। और उसके बाद से आपको मूव टूल लेना है, यानी कि कोई भी टूल नहीं लेना है। और यहाँ पर इमेज साइज पर करना है क्लिक और यहाँ पर रेजुलेशन बढ़ जाएगा, आपको 300 ही रेजुलेशन कर देना है, साइज कम नहीं करना है। और उसके बाद इसको कर लोगे थोड़ा सा बड़ा और उसके बाद से फाइल मेन्यू जाएगा और सेव फॉर वेब पर लोगे क्लिक। और सेव फॉर वेब पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी क्वालिटी, जिसके यहाँ पर JPG ही रहने देना है और यहाँ पर लो रखना है। और यहाँ पर है क्वालिटी,
इसको आपको कुछ नहीं करना है, क्वालिटी देखनी है। आपको एक फोटो कर देना है 42 KB के लगाओ, 42-43 KB यहाँ पर आपको कर देना है। तो आप इसको घटा बढ़ा के देख लें, 42-43 KB हो जाए। हमने सब तरीके से देख लिया, यहाँ पर हमारी KB 97-98 ऐसी चलती रहती है। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ। पहले तो हमें यहीं से देख लेते हैं, ज़्यादा हो गई हमारी 56-53, लेकिन इससे ज़्यादा हमारा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उसके बाद से नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, आपको करना है ब्लर पर क्लिक, ब्लर पर करना है क्लिक, और उसके बाद से आगे बताऊँगा। तो ब्लर पर आप जैसे कि पहले क्लिक कर लीजिए। भाई लोग ध्यान दें, वहाँ पर मैंने क्वालिटी कर दी है 0, और यहाँ पर ब्लर को मैं बढ़ा लेता हूँ तो मेरा फोटो हो गया कम, यानी कि 42 KB का, यानी सही साइज में हो चुका है। तो यहाँ पर ब्लर को मैं देख लेता हूँ, 2 कर लिया मैंने, फुल बढ़ा लिया। तो यहाँ पर ध्यान दें, JPG लो प्रोग्रेसिव, और ऊपर क्वालिटी 0, और नीचे रखना है 2 पैक क्लिक, ब्लर को कर देना फुल। तो यहाँ पर 42 KB का मेरा बन चुका है, देख लीजिए 42.9 का। तो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको आप क्या करना, सेव पर डायरेक्टली कर देना क्लिक, तो ये आपको हो जाएगा सेव। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सेव। यहाँ पर आप लोकेशन चुन लेनी है, किस लोकेशन पर आपको ये करना है सेव। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड का नाम दे देता हूँ, और ये हमारा सेव हो चुका है। तो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अभी आया नहीं है सेव होगा, क्योंकि हमारा साइड में इधर हो गया है। तो हमने इसमें इसी फोल्डर में इसको डाल लिया है, और इस फोल्डर को करेंगे हम दोबारा से ओपन। और ओपन करने के बाद इस पुराने फोटो को डाल देते हैं डिलीट, और डिलीट मारने के बाद तो वही वाला फोल्डर ये गया। यहाँ पर मैंने फोटो को पेस्ट किया था, मैं इसको कर लेता हूँ दोबारा से ओपन। और यहाँ पर हमारे 3 फोटो अवेलेबल है, जिसके हमने फोटो का साइज बना ही लिया, और आधार कार्ड का साइज ये है 42.9 KB, आप देख सकते हैं। और इस पुराने वाले आधार कार्ड को जिससे हमने साइज बनाया, इसको कर दिया मैंने डिलीट। और यहाँ पर देख लीजिए इसका साइज 42.9 KB है, और इसको मैं यहाँ पर करूँगा अपलोड, जिसके यहाँ पर दस्तावेज अपलोड की बात आई थी, फोटो तो हमने अपलोड कर दिया था। तो यहाँ पर हम चयन करेंगे तस्वीर, वहाँ पर सिलेक्ट करना था, यहाँ पर हम करेंगे दस्तावेज, क्योंकि हम यहाँ आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। आप चाहे पैन कार्ड करें तो भी अपलोड हो जाएगा। ये पहचान का प्रमाण पत्र है, या निवास प्रमाण पत्र, या आयु यानी कि उम्र, और निवास यानी कि कहाँ पर रह रहे हैं आप, ये किसका प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया पहचान, हमारा ये पहचान का प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड को कर देते हैं ओपन, और ये हमारे यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर संचिका बरवाड़ में आप आधार कार्ड ही लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दें, जैसे कि मैं आपको पिछले फोटो में भी बता चुका हूँ। और डायरेक्टली आपको यहाँ पर अपलोड पर कर देना है क्लिक, तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग लेगा और अपलोड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से अपलोड होगा। और यहाँ पर आप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हटा भी सकते हैं, और आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने किया बंद पर क्लिक, ताकि ये हमारा बंद हो चुका है, और वहाँ पर अपलोड भी हो गए हैं सफलतापूर्वक। तो यहाँ पर मैं नीचे को स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। तो गाइस नीचे को मैंने स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पर फोटो का भी आइकॉन है और दस्तावेज का भी आइकॉन है, दोनों अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि को यहाँ पर एंटर कर लेना है, क्योंकि हम पर ये गलत हो गया है, हम यहाँ पर जन्मतिथि को सही भर लेते हैं। यहाँ पर कैलेंडर पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ कैलेंडर से मैं भर लूँगा, ठीक है, जिसकी मैंने अभी रीसेट किया था। इसको मैं दोबारा देखता हूँ, ये कुछ इस तरीके है, और आपको ये खुलेगा ही नहीं अगर आप गलत भर देते हो, तो एक ही बार में आपका सेव हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है रीसेट करें, आपको डायरेक्टली सभी डिटेल्स को कर देना रीसेट। और रीसेट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैलेंडर मेरे सामने आ चुका है। मैंने सन पर क्लिक किया, और दोबारा सन पर क्लिक किया, तो यार 29 की जो डिटेल्स आ गई हैं, और यहाँ पर आगे तक की भी डिटेल्स रहेंगी। इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ाना है, इसको पीछे करता ही जाना है। और आपकी जो भी जन्मतिथि है उसको कर लेनी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट, जिसकी मैंने यहाँ पर अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट कर ली है, उसकी मंथ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद से इसका डे भी सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से आपको कर लेना है नीचे की स्क्रॉल। तो यहाँ पर ये आपको भरी मिलेगी, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ नीचे की स्क्रॉल। तो यहाँ पर इस तरीके से भरी जाएगी। सही जन्मतिथि भरने के बाद डायरेक्टली आपको जमा पर क्लिक नहीं करना है, आपको कर देना है पता पर क्लिक। तो यहाँ पर आपको पता अपना एंटर करना है, अगर आपकी कोई मकान संख्या है तो डाल देंगे, उससे पहले यहाँ पर हाँ और ना का ऑप्शन है, तो भाई ये तो चेंज हो जाएगा, इस पर आपको पहले नहीं करना है, ठीक, इसको बाद में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, गली नंबर है तो डाल देंगे, नाम है तो डाल देंगे, कॉलोनी है या कोई चित्र है उसका नाम डाल देंगे। अगर नहीं है तो आपको करना है अपना ग्राम का नाम दर्ज, जैसे कि ग्राम और नगर और शहर, आपको इनमें से किसी का भी नाम डाल देना है। और उसके बाद नीचे है तहसील ब्लॉक मंडल, तो आपको अपनी ब्लॉक डाल देनी है,
या आपको अपने नीचे तहसील डाल देनी है, दोनों में से आप किसी एक को डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, जिसकी मैंने यहाँ पर अपना ब्लॉक डाल लिया है। उसके बाद से ऊपर ऑप्शन है जिला का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तहसील आपकी उत्तर प्रदेश, मतलब स्टेट आपकी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट रहेगी। यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है अलीगढ़, और उसके बाद से यहाँ पर पुलिस स्टेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है। जैसे कि पुलिस स्टेशन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम पिन कोड को करेंगे एंटर, और अपना क्षेत्र का पिन कोड डालने के बाद रहने के अवधि चुनेंगे, कब से ये लोग इस एड्रेस पर रह रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसकी भी अवधि डाल लेते हैं। तो भाई ये 10 वर्ष और ये 4 महीने से रह रहे हैं। तो अब क्या है, आपका स्थायी एड्रेस और वर्तमान एड्रेस एक ही है, तो आपको करना है सिंपल से यहाँ पर क्लिक, और अलग अलग है तो आपको डाल देने हैं अलग अलग। तो भाई इसमें कुछ है नहीं, आपको करना है यहाँ पर क्लिक, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक। तो भाई आपको पहले से यहाँ पर क्लिक करके नहीं रखना है, आपको बाद में ही यहाँ पर क्लिक करना है। अब क्या है, अब आपको जाना होगा शपथ पत्र में। क्या आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड है, तो आप यदि हाँ का विवरण प्रदान करें। हाँ करके आप यहाँ पर अपना विवरण दें, जो भी आपके साथ हुआ है इसको आप खींच भी सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर दें, और इस टर्म्स को एक्सेप्ट करके कर दें, जमा करें पर क्लिक, ठीक है। और कुछ इस तरीके से वेबसाइट हो जाएगी रिडायरेक्ट, तो भाई आपको एक पेमेंट मोड पर ट्रांसफ़र कर देगी राजकोष, यूपी राजकोष वाला कोई एक पेमेंट मोड है, उस पर ही आपको करेगी रिडायरेक्ट। तो भाई अगर आपका कोई भी थाने में कैसा भी लड़ाई का कोई भी रिकॉर्ड है, तो आप उस पर हाँ पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पाए। तो यहाँ पर आपका चालान नंबर मिलेगा, इसको आपको कर लेना कॉपी, और इसका फ़ोटो खींच लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो जाएगी नहीं, इसको आपको ज़रूर कॉपी करके रख लेना है। तो आपको करना होगा यहाँ पर क्लोज पर क्लिक, यहाँ पर यूजर नेम होगा नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट इस नंबर को चालान नंबर कर लिया मैंने कॉपी, और यहाँ पर हमारे 50 रुपये कटेंगे। चलिए हम इसमें नेट पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो हमारा पेमेंट कटेगा यहाँ से। तो भाई यहाँ से हमें SBI की जो बैंक स्टेट बैंक से हमें पेमेंट करना होगा। अगर आप अदर बैंक से करोगे, या तो आपको UPI से कर देना है, अदर बैंक से करोगे तो आपके पास चार्ज लग जाएगा 5.09 रुपये का, यानी कि आपका जो बैंक है रुपये स्टेट बैंक को देगी, और स्टेट बैंक रुपये 50 रुपये तब जाके ट्रांसफ़र करेगी इसको यूपी पुलिस को, यानी कि इस वेबसाइट को। तो हमने यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट कर लिया, कोई सी बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप भीम UPI से भी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी। तो भाई HDFC मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो भाई हमारे 5 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, तो भाई मैं यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ। तो भाई आप इस प्रोसेस को देख रहे हो, तो आपको सब कुछ मालूम होगा किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं बताते हैं आगे, लेकिन बस सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको 1 टाइम पासवर्ड डाल देना है, क्योंकि आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड है, जो भी आपने पेमेंट में चुना है, उस पर OTP आएगा। तो हम यहाँ पर OTP कर लेता हूँ दर्ज, OTP डाल के बोलना सबमिट पर क्लिक। तो इस तरीके से SBI में रुपये ट्रांसफ़र हो गया, और उसके बाद से इसने चालान भर दिया है, यानी कि फीस काट दी है। ये चालान मर्चेंट ID नंबर है, चालान नंबर, और ये है कंप्लीट सक्सेसफुली, आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली डन हो चुका है। यहाँ पर ये सब कुछ 2 जनवरी डेट वगैरह, चालान नंबर, जिससे आपको चालान नंबर कॉपी करके ज़रूर रख लेना है। तो यहाँ पर 5 रुपये एक्स्ट्रा इसी बात के लग गए, दूसरे बैंक ने रुपया दूसरे बैंक को भेजा, यानी कि स्टेट को भेजा, स्टेट ने इस वेबसाइट को भेजा, इसी बात के पैसे लग गए। यहाँ पर आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा ये दूसरी वेबसाइट यहाँ पर ऐसे राजकोष, मैंने यहाँ पर ये एक्सपायर हो गया सीजन। चलिए यहाँ पर लॉगिन करना होगा हमें दोबारा से, तो हम इसको लॉगिन नहीं करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद मन में कन्फ्यूजन रह जाती है कि भाई थाने में हमको किस किस डॉक्यूमेंट को पहुँचाना होता है। इसके लिए आपको दोबारा से गूगल क्रोम को खोलना है, और वहाँ पर लिखना है UP राजकोष। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो आपको करना है सर्च एंड प्रिंट चालान पर क्लिक। तो भाई हमने वहाँ पर आपको बताया था चालान नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है, या उसका फोटो खींच के रख लेना है। आपको उस पर करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको चालान नंबर नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पर आप डाल भी दोगे तो वो उड़ जाएगा, जिसकी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट पर क्लिक करोगे, तो आप यहाँ से चुन लोगे अपनी वो एज, मतलब आपने किस तरह का चालान यहाँ पर कटवाया है। तो हम यहाँ पर चुन लेते हैं POL, ऐसे कुछ लिखा होगा, पुलिस के नाम से ही हमारा होगा यहाँ पर।
तो हमने इसी पुलिस का काम किया है, तो पुलिस विभाग का हमारा ये चालान है, तो हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर डाल दिया है, दोबारा से क्योंकि उड़ गया। और सक्सेस फेलर पेमेंट आपकी दोनों की डिटेल्स लग रहेंगी, आपको दोनों पर कर देना क्लिक और आज की डेट डाल देनी है, यानी आज की नहीं जिस भी डेट को आपने यहाँ पर फीस कटाई है वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है और सर्च पर करना है क्लिक, तो इस तरीके से आ जाए। उसके बाद मैंने उस चालान नंबर पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया, तो मैंने ब्यू डिटेल्स पर क्लिक किया तो यहाँ से मैं इस रसीद को प्रिंट करके दे दूंगा। उसके बाद उस रसीद को और आधार कार्ड को और आप अपने ग्राम पंचायत से यानी कि अपने प्रधान से या सभासद के द्वारा आप वहाँ पर एक सत्यापन भरवा लें कि भाई मेरे खिलाफ कोई भी थाने में कार्रवाई नहीं है और इसको आपको इस प्रति फोटो कॉपी को थाने में जमा कर देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में आप जमा कर दोगे तो आपका जल्दी में ही आपके जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था डाक द्वारा यहाँ वायरलेस उस पर मेल आईडी पर आ जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।